अगर प्रकृति के साथ करते हैं प्यार तो चले आइए हरिद्वार। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन एंड यू आर वाचिंग टू एक्स्ट्रा माइल्स। अभी मैं हूँ गिदड़बाहा रेलवे स्टेशन पर और टाइम हुआ है 5:15। आज की हमारी जर्नी है फ्रॉम गिदड़बाहा टू हरिद्वार बाय 14712 श्री गंगानगर ऋषिकेश एक्सप्रेस से। तो जो हमारी ट्रेन है वो आएगी 5:40 पर विद डीजल लोकोमोटिव, क्योंकि जो श्री गंगानगर टू ऋषिकेश तक का रूट है वो फुली इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। आज की हमारी जर्नी में हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 385 किलोमीटर और टाइम लगेगा 7 hours 30 minutes। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पहले ये ट्रेन श्री गंगानगर टू हरिद्वार चला करती थी, लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है ऋषिकेश तक, और अभी ये ट्रेन चलती है श्री गंगानगर से ऋषिकेश तक। और कुछ चेंजेस इसकी कोच कॉम्पोजिशन में भी किए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो अभी हम जल्दी से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। हमारी ट्रेन गिदड़बाहा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। हमारी ट्रेन गिदड़बाहा से चल चुकी है। जैसे ही हम बठिंडा में एंटर करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोकोमोटिव्स देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोकोमोटिव्स हैं। अभी हम पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट हॉल्ट पे जाने के बठिंडा। वैसे तो मैं आपको बठिंडा स्टेशन पहले भी दिखा चुका हूं। तो यहां पर है टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स और बठिंडा से आपको मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, असम, त्रिपुरा तक की आपको डायरेक्ट ट्रेन मिलती हैं। और बठिंडा का स्टेशन कोड है BTI और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। हमारी ट्रेन बठिंडा से चल चुकी है। मंडी दबई, हनुमानगढ़, फेरी बंगाल, सूरतगढ़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। धन्यवाद। आप स्टेशन की इस साइड भी देखिए, यहाँ पर भी आपको लोकोमोटिव्स देखने को मिलते हैं। आपने एक ध्यान दिया, स्टेशन के उस साइड हमें डीजल लोकोमोटिव्स देखने को मिले थे और इस साइड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, क्योंकि जो बठिंडा टू राजस्थान जाने की श्री गंगानगर रूट है वो फुली इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, इसलिए उस साइड है डीजल लोकोमोटिव्स और इस साइड है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं हरिद्वार ट्रैवल करने का, तो आप अपनी टिकट्स एडवांस में ही बुक करवा लें, क्योंकि जो इसकी टिकट्स हैं वो बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। इस ट्रेन की रिजर्वेशन विंडो 30 दिन पहले ओपन हो जाती है।
93 किलोमीटर के जर्नी के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बरनाला, जिसका स्टेशन कोड है BNN। ये स्टेशन अंबाला डिवीज़न के अंडर आता है और नॉर्दर्न रेलवे जोन के जो बाबा आला सिंह हैं, जो कि फुलक्यान मिसल के जत्थेदार थे, उनके नाम से इस जगह का नाम पड़ा बरनाला। अभी हमारी ट्रेन बरनाला से चल चुकी है। बठिंडा के बाद मैंने भुचमंडी, रामपुरा फूल और तपा स्टेशन स्किप किया था। हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पर चल रही है और आप एक बार मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। वैसे तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आज थोड़े से बादल है और इसी वजह से धूप थोड़ी सी कम है। अगर हम बात करें ट्रेन के कोचेस की, तो इस ट्रेन के जो कोचेस की कॉम्पोजिशन है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अब इस ट्रेन में टोटल 17 कोच हैं, जिसमें से एक है AC 2 टीयर, 5 हैं AC 3 टीयर, 5 हैं नॉन AC स्लीपर, 4 है जनरल कोच और 2 है SLR कोच, यानी कि सिटिंग कम लगेज रैक। और इस ट्रेन में पैंट्री कार नहीं है। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन यही है कि आप अपना खाना या तो घर से लेकर आएं या फिर आप किसी भी स्टेशन से ले सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं धूरी जंक्शन। ये स्टेशन जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन है बठिंडा राजपुरा लाइन, जिस पे अभी हम चल रहे हैं, और एक है लुधियाना जाखल लाइन। हमारी ट्रेन धूरी से चल चुकी है। ये देखिए, अभी हमारी ट्रेन चल रही है बठिंडा राजपुरा लाइन पर और इधर से ये निकल गई लुधियाना जाखल लाइन। ये देखिए, यहाँ से इस तरफ चली गई। और हमारी ट्रेन जा रही है बठिंडा राजपुरा लाइन पर। जो धूरी स्टेशन है, इस पे 4 प्लेटफॉर्म्स थे और ये स्टेशन फुली इलेक्ट्रिफाइड है। दी रॉयल सिटी जाने की पटियाला में आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवेज का एक स्टीम लोकोमोटिव है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप पटियाला आ रहे हैं, तो पटियाला में काली माता मंदिर और गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी के आप दर्शन जरूर करें। और अगर आपको पता है कि पटियाला रेलवे स्टेशन पर कौन सी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई थी, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारी ट्रेन पटियाला से चल चुकी है। जनरल कोच कम होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। अभी पूरी ट्रेन में सिर्फ 4 ही जनरल कोच हैं और लोग या तो एसी में चढ़ जाते हैं या फिर स्लीपर में, फिर टीटी उनको हटाता है और फिर वो जाते हैं जनरल में, और जनरल बहुत बुरी तरह से भरा हुआ है। इस ट्रेन में पहले भी काफ़ी रश हुआ करता था जब इसके काफ़ी सारे जनरल कोचेस थे, और अभी तो इसके सिर्फ 4 ही जनरल कोच हैं। वैसे तो बठिंडा के बाद जो रूट है वो फुली इलेक्ट्रिफाइड है, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेन के साथ डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है।
ये आ गया राजपुरा जंक्शन। लगता है हमारी ट्रेन स्टेशन से काफ़ी पीछे ही रुक जाएगी। अभी हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ पंजाब जाने के राजपुरा। ये स्टेशन जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन है बठिंडा राजपुरा लाइन और एक है अंबाला अटारी लाइन। और अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो आप राजपुरा से ही डायरेक्ट बस ले सकते हैं। अभी हमारी ट्रेन राजपुरा से चल चुकी है। अगर हम बात करें टिकट प्राइस की तो एसी टू टीयर का जो प्राइस है वो है 1185, एसी थ्री टीयर का है 835 और नॉन एसी स्लीपर का है अराउंड 320 रुपीस। और ये प्राइस है फ्रॉम श्रीगंगानगर टू ऋषिकेश। बाकी आप IRCTC की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। अंबाला सिटी स्किप करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं अंबाला कैंट। ये एक मेन जंक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो रेल लाइंस हैं वो है दिल्ली अटारी लाइन, अंबाला मुरादाबाद लाइन, अंबाला बठिंडा लाइन, अंबाला ऊना लाइन। ये स्टेशन दिल्ली की 300 ट्रेन्स को हैंडल करता है और यहाँ पे दो वंदे भारत ट्रेन्स का भी हॉल्ट है। इस स्टेशन के बाद जो स्टेशन आएंगे वो है बराड़ा, यमुनानगर और जगाधरी, जिसको मैं स्किप करूंगा। और अब हमारी मुलाकात होगी सीधा सहारनपुर जंक्शन पे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे कि संजीव कपूर, परिणीति चोपड़ा और लेट सुषमा स्वराज, वो भी अंबाला से ही बिलोंग करते हैं। ये है हमारी ट्रेन जो कि हरिद्वार जा रही है और यहाँ पर है जन शताब्दी जो कि अमृतसर से आई है और इसको भी हरिद्वार ही जाना है। ये देखिए कि इस साइड है और हमारी ट्रेन इस साइड है। अब देखते हैं किस ट्रेन को प्रायोरिटी मिलती है। एक है इंटरसिटी एक्सप्रेस और एक है जन शताब्दी। हमारी ट्रेन अंबाला से चल चुकी है और वो सामने खड़ी है जन शताब्दी जो कि अमृतसर से आई है और इसको भी हरिद्वार जाना है। और हमारी ट्रेन को मिली प्रायोरिटी। ये है इसका लोको रैप 5। अभी मैं आपको इंडिया का मोस्ट पावरफुल रेलवे इंजन दिखाता हूँ। ये देखिए ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल रेलवे इंजन। हमारी ट्रेन टोटल 5 स्टेट्स कवर करती है जो कि है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये चलती है श्रीगंगानगर से जो कि है राजस्थान में, फिर आती है बठिंडा जो कि है पंजाब में, उसके बाद ये एंटर होती है हरियाणा में यानी कि अंबाला कैंट, उसके बाद ये पहुंच जाती है सहारनपुर जो कि है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद हरिद्वार जो कि है उत्तराखंड में। जाने की हमारी ट्रेन 5 स्टेट्स कवर करती है। अभी हमारी ट्रेन को सहारनपुर के आउटर पे रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दूसरी ट्रेन के साथ क्रॉस है और वो देखो वो दूसरी ट्रेन आ रही है।
310 किलोमीटर की जर्नी के बाद अभी हम पहुंच गए हैं सहारनपुर। मैंगोज, शुगर और राइस प्रोडक्शन की वजह से सहारनपुर को पूरे इंडिया में जाना जाता है। और जो सहारनपुर स्टेशन है वो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है टुवर्ड्स अम्बाला, एक है टुवर्ड्स दिल्ली और एक है टुवर्ड्स हरिद्वार। और आपको मेरे साथ जर्नी करने में मज़ा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारी ट्रेन सहारनपुर से चल चुकी है। अभी हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट पे जाने के रुड़की। तो क्या आपको पता है कि जो एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था वो रुड़की में खुला था, जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और अभी इसको आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। हमारी ट्रेन रुड़की से चल चुकी है। ये आई यमुना एक्सप्रेस। ये ट्रेन जयनगर से आई है और मेरे ख्याल से ये अमृतसर की तरफ अभी जाएगी। जो जयनगर है वो शायद नेपाल के आसपास है। अगर किसी को नेपाल जाना होता है तो वो वाया जयनगर जाते हैं। और जैसे ही रुड़की का स्टेशन ख़त्म होता है तो हमको मिलता है यहाँ पे गंगा अपर कैनाल, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखिए वो था सामने स्टेशन। और ये वीडियो मैं अभी पॉज नहीं कर रहा हूँ, ये अनकट वीडियो है। ये देखिए और पास ही में स्टेशन के है अपर गंगा कैनाल। ये नाम से कैनाल है लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। ये देखिए स्टेशन के बिल्कुल साथ में ही था। और इसके बाद आएगा हरिद्वार। अभी हमारी ट्रेन ज्वालापुर क्रॉस कर रही है क्योंकि इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। अभी हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जाने की हरिद्वार। तो हमारा सफ़र यहाँ पे होता है ख़त्म, लेकिन ये ट्रेन आगे ऋषिकेश तक जाएगी। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो आएगा वंदे भारत का। तो इस ब्लॉग को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जल्द मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन सी यू सून एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम 2 एक्स्ट्रा माइल्स।